ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब तो बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे, लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल भी मज़े में नहीं हूँ। मेरा बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं डाला, क्योंकि दोस्तों पता नहीं क्या हुआ है। मुझे तो बीमारी ने चारों तरफ से घेर लिया है और तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगा है। और अभी तो दोस्तों मेरे आँखें भी ख़राब हो गया, आँखों में भी चश्मा लग गया है मेरा। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा मुझे आराम लगा है और थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो बना के रख दिया है, लेकिन वीडियो तो मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ। तो आज क्यों ना थोड़ा सा कोशिश करके एक वीडियो डाल ही देती हूँ। तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, और आशा करती हूँ आप लोग हमें प्यार देंगे। तो दोस्तों ये है, हम लोग जब चेन्नई आए थे, चेन्नई में हम लोग का फर्स्ट डे है। दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल से आके थोड़ा सा आराम कर लिए थे और अभी रात के 8 बज रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। वैसे तो यहाँ पे किचन है, किचन में सब कुछ है, लेकिन हम लोग घर बना के नहीं खाएंगे। वैसे तो हमेशा अपने हाथों से बना के खाते हैं, हमेशा अपने हाथों का ही खाते हैं, बना के भाजा भात रोटी यही सब चलता है। अगर बाहर आए तो बाहर का कुछ खा लेते, यही सोच के अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और ये देखिए दोस्तों आ गया है कंबल। वैसे तो हम लोगों ने एसी रूम लिया है, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ठंड ठंड महसूस हो रहा है, तो एसी फैन सब कुछ बंद है और आ गया कंबल। तो अभी दोस्तों हम लोग बाहर जाएंगे और हस्बैंड जी देखिए ताला लेके बाहर आ गए हैं और लॉक लगा रहे हैं। और ये है बाहर का होटल का बाहर का व्यू। और दोस्तों देखिए क्या हुआ है, हम लोग 3rd फ्लोर में रहते हैं, लेकिन लिफ्ट भी है, लेकिन हस्बैंड जी लिफ्ट में जाने नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग सवेरे जब आए थे ना, एक बार लिफ्ट अटक गया था, तो उसी डर के वजह से हस्बैंड जी लिफ्ट में आने जाने नहीं दे रहे हैं। 3rd फ्लोर से नीचे तक मुझे हाथ हाथ पकड़ के नीचे नमाया जाता है। तो अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बाहर। और ये देखिए ये है ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में है ये रिसेप्शन रूम और रिसेप्शनिस्ट, और ये है होटल का मालिक। और अभी हम लोग आ गए होटल से बाहर। होटल का बाहर का नज़ारा है ये दोस्तों, जहाँ पे मतलब होटल है ना, एकदम प्रॉपर जगह में है। वहाँ रास्ता के उस पार है अपोलो, और यहाँ पर आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ कपड़े से लेकर मांस मीट सब्जी वगैरह, मतलब जो भी कुछ है आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी होटल देख रहे हैं ना, सब यहाँ पे मतलब बाहर का लोग ही यहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे मतलब चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं, तो ऑब्वियसली सब कुछ दाम होते हुए भी खरीदना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग तो दूर में जा नहीं सकेंगे ना, तो सामने मिलता है जो भी ले लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग चाय भी पी सकते हैं, फुसका वगैरह सब कुछ का मतलब यहाँ पर सुविधा है। और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है ऑटो, ऑटो से हम जाएंगे खाना खाने के लिए। वैसे तो आज फर्स्ट डे है, तो हमने सोचा कि साउथ इंडियन डिश खाया जाए, क्योंकि हम लोग तो हमें हमारा भाजा भात रोटी खाते रहते हैं। तो अभी हम लोग आ गए एक वेजिटेरियन साउथ इंडियन होटल में। तो यहाँ पे देवर जी ने लिया है डोसा, और हस्बैंड जी का भी है डोसा, लेकिन मैंने थोड़ा सा यूनिक मंगाया है। जिस ऑटो में आए थे तो वो ऑटो वाला भाई ने बोला है यहाँ पर एक मिलता है स्पेशल, मतलब मिनी टिफिन बोलता है, उसी में सब कुछ लेता है रहता है, ढोकला इडली सांभर वगैरह जितना भी मिठाई हो सब कुछ मतलब मिलता है छोटा मिनी टिफिन में। तो मैंने मिनी टिफिन लिया है, ये देखिए इस क्या नाम था इसका, मैं तो भूल गई हूँ। और ये देवर जी ने एक जूस लिया है, और यह पोहा मिठाई भी है। और ये सब कुछ खाने के बाद बिल आया है सिर्फ 380 रुपीज़। तो हम लोग यही बात करते करते जा रहे हैं। खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ है, पूरा पेट भर के खाया, लेकिन बिल देखे हमको बहुत अच्छा लगा, 380 बिल आया इतना खाने के बाद भी। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक दादी हमको दिखाई दिया है, दादी मतलब रात के 9 बजे अकेले रास्ते पे है। क्या मतलब क्या हुआ पता नहीं, दादी के साथ कोई है या नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा लगा दादी को देख के। और अभी हम लोग आ गए अपने होटल में, और कल के लिए जाना है, तो कल सुबह ही निकल जाएंगे हॉस्पिटल में, इसीलिए रात को ही कपड़ा धो के मैं रख रही हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय। अगर